जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90 में। साथियों, शिक्षा विभाग में अभी तो हरकंप मचा हुआ है ही। जब से के पाठक साहब आए हैं, इसमें तो पूरी तरीके से भूचाल मचा के रख दिए हैं। अभी लगातार कई प्रखंड मुख्यालय से, कई जिला कार्यालय से, साथ ही साथ के पाठक जी का एक प्रेस विज्ञप्ति आया है, उसके बारे में जानकारी देंगे और कई पत्र को जो है आपके सामने भी रखने जा रहे हैं। आप लोग सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस जो है पत्र का जो है थोड़ा सा ध्यान से आप लोग मतलब चिंतन भी करने वाली बातें हैं और इसको अपने आप पर लागू करना भी पड़ेगा। अगर नहीं लागू करेंगे इसका खामियाजा भी क्या क्या भुगतना पड़ेगा ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक नहीं चार पत्र दिखाएंगे आपको। ये देख लीजिए, एक पत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और चारों के चारों जो पत्र देखिएगा ना, एकदम समझ लीजिए तो ऐसा ऐसा पत्र है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर का है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो चेरिया बरियारपुर में एक विद्यालय है जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय है, देख लीजिए उच्च माध्यमिक विद्यालय चेरिया बरियारपुर का ही है। इनके जो मतलब वर्ग कक्ष में जब पदाधिकारी चेकिंग के लिए गए, लगातार कई नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चार दिन की यहाँ इन्होंने जिक्र किया, 3, 7, 7, 7, 12, 7 और 17, 7 को, तो इन्होंने पाया कि वर्ग कक्ष में शिक्षक जो है मोबाइल चला रहे थे। अब मतलब चैटिंग कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वर्ग कक्ष के अंदर चला रहे थे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने पत्र निकाला है कि जो कुर्सी पर बैठ करके आप मोबाइल चला रहे हैं, कुर्सी आपको बैन कर दिया गया है। तो जो भी शिक्षक वहां के होंगे उनको अब कुर्सी पर नहीं बैठना है, खास करके वर्ग कक्ष में कुर्सी पर नहीं बैठना है। अगर कुर्सी वर्ग कक्ष के अंदर पाया गया तो वहां के प्रधानों को जो है बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बात देखिए, वर्ग शिक्षक संयुक्त रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे, प्रभारी के साथ वर्ग शिक्षक भी जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके ऊपर नियमानुकूल कार्रवाई होगी। ये देख लीजिए, ये बकरी से एक आदेश निकल करके आया है, बेगूसराय बकरी से। यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि जो कार्यालय आदेश है, नवसृजित प्राथमिक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश एवं अन्य छुट्टी हेतु आवेदन दिया जा रहा है। आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो गजब हो गया, इसको तो कहते हैं अति हो जाना। अब बताइए, कोई अचानक बीमार पड़ जाएगा, कोई मान लीजिए एक्सीडेंट कर जाएगा, कोई अचानक कोई मतलब किसी इमरजेंसी वर्क में फंस जाएगा तो वो कैसे आकर के देगा, बताइए। कहीं गिर जाएगा, टांग टूट जाएगा, वो ये आकस्मिक अवकाश जो है मतलब हैंड टू हैंड जाकर के स्वीकृत करेगा, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। लेकिन अतः विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या सभी पूरे प्रखंड की बात है, प्रखंड को ये कहा गया है, शिक्षा शिक्षिका को निर्देश दिया जाता है कि अपने नियंत्रित पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन की मूल प्रति देने के पश्चात ही किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ये तो अति है नहीं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये कितना सही है, ये जरूर हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तीसरा देखिए, एक है ये पाठक जी का जो ये लास्ट में पढ़ेंगे आपको, ये देखिए साहेबपुर कमाल का जो है ये पत्र आया। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी के लिए कहा गया है को, यानी वर्ग संचालन के समय अपना अपना मोबाइल का उपयोग नहीं करें। निरीक्षण के क्रम में ऐसा करने की पर बिना आपका पक्ष जाने आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। यानी आप रोलेट एक्ट आपको याद होगा, नो वकील नो दलील न, ठीक है, मतलब अपील किसी प्रकार का नहीं, तो बिना आपसे पूछे हुए आप पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, स्वयं की होगी। सभी वर्ग शिक्षक को आदेशित दिया जाता है कि अपने अपने वर्ग के नामांकित बच्चों की उपस्थिति 50% अधिक हो इसमें आवश्यक पहल करें। किसी भी स्थिति में 50% से कम बच्चों की उपस्थिति पाए जाने पर वर्ग शिक्षक की को विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर ही किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही संबंधित वर्ग शिक्षक की स्वयं की होगी, साथ ही साथ जो प्रधानाध्यापक होंगे, जो प्रभारी होंगे, उनको भी उनमें मतलब सम्मिलित किया जाएगा। विद्यालय में नियत समय पर पहुंचे और प्रस्थान नियत समय पर करें तथा मध्य में जाएंगे, मध्य में कभी भी विद्यालय को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाए। ऐसा करने पर निरीक्षण के क्रम में वैसे शिक्षक को अनुपस्थिति माने जाएंगे और उनका एक दिन का वेतन कटौती कर ली जाएगी। यानी अगर आप विद्यालय के चार दीवारी के बाहर कदम रखते हैं तो आपका वेतन गया, मान करके चलिए कि आपका वेतन गया। तो इस बात को देखिए। अब आइए बात करते हैं पाठक जी के द्वारा क्या कहा गया, प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी करी है। 1/7/2023 से सभी शिक्षकगण समय से विद्यालय जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। देखिए ये माने हैं कि सभी लोग समय से जा रहे हैं, अधिकांश शिक्षक निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं, परंतु कुछ शिक्षक बच्चों को टास्क देकर व्हाट्सएप पर परम मित्रों से चैटिंग, शॉर्ट वीडियो और रील्स में लग जाते हैं।
यानी बच्चों को कार्य दे दिए कि बाबू तुम इस काम को करो, और उसके बाद वो रील्स देखना या चैटिंग करना इन सब में लग जाते हैं, ये सही नहीं है। अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी शिक्षकों से आग्रह किया जाता है, आगाह किया जाता है कि विद्यालय में व्हाट्सएप चैटिंग शॉर्ट वीडियो और रील्स इत्यादि देखने से बचें, अनिवार्य कॉल या शैक्षिक गतिविधि में मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ये इनका है, इन्होंने कहा कि आप शैक्षिक गतिविधि में मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में आपने क्या देखा, पूर्व में क्या देखा आपने, एकदम अगर मोबाइल छुए, अगर कदम बढ़ाए तो आपके ऊपर कार्रवाई एकदम निश्चित है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथी तक शेयर कर दीजिए, और सभी लोग कम से कम के पाठक जी का जो प्रेस विज्ञप्ति है इससे रूबरू हो जाए, इनको जरूर देख ले, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये अगर उनको पता रहेगा तो इसके हिसाब से कम कार्य करेंगे, और रील्स देखना, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह वगैरह थोड़ा सा इनसे बचिए, और चूंकि ये आंधी है, और आंधी में तो आप जानते ही हैं जो बुद्धिमानी वही होता है जो लोग क्या करते हैं, हवा के रुख पर सीना नहीं दिखाते हैं, पीठ मोड़ करके उसकी दिशा में चल देते हैं। तो आप उसी दिशा में चलने का प्रयास करिए, एकदम यकीन मानिए कि समय बदलेगा, सब कुछ होगा, और आपको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी निश्चित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।